बीए पाठ तृतीय संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र पातंजल योग सूत्र 18 से 21 सूत्र। अथ असंप्रज्ञात समाधि किम उपाय किम स्वभाव इति विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। असंप्रज्ञात समाधि का अवतरण करने के लिए भाष्यकार प्रश्न उपस्थित करते हैं, अर्थात अथ संप्रज्ञात समाधि के निरूपण के पश्चात असंप्रज्ञात समाधि कौन से उपाय वाला है तथा किस स्वरूप वाला है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि के साधन कौन है, और उसका स्वरूप किस प्रकार का है, इस प्रश्न का उत्तर सूत्र से देते हैं। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य ही है। पर वैराग्य के बार बार अभ्यास करने से जब मानसिक क्रियाएं शांत होकर केवल संस्कार शेष रह जाते हैं तो वह असंप्रज्ञात समाधि है। इस संप्रज्ञात समाधि के सधने पर मन वश में हो जाता है तथा चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है, वे अब संसार के भोगों की ओर नहीं भागती, वे स्वभाव से ही इनसे उपरत हो जाती है। इसी को विराम प्रत्यय कहा जाता है। जब इसका अभ्यास क्रम भी बंद हो जाता है तो चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है, केवल उस समय वृत्तियां संस्कार रूप में चित्त में विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार की समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जो इस स्थिति को उपलब्ध नहीं हुए तथा संप्रज्ञात समाधि तक ही आकर रुक गए, वे इस अवस्था को शून्य की अवस्था कहते हैं, किंतु जो उपलब्ध हुए अर्थात प्राप्त हुए हैं वे इसे शून्य नहीं बल्कि स्पष्ट कहते हैं। इसमें केवल आत्मसत्ता का भान होता है, इसमें मन की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, विचार ही बंद हो जाते हैं, अहम भी गिर जाता है अर्थात समाप्त हो जाता है तथा द्वैत भी नहीं रहता। इस असंप्रज्ञात समाधि में अभ्यास क्रम समाप्त हो जाता है, केवल बीज रूप में जो चित्त के संस्कार शेष रहते हैं उसका आत्मा में अपने कारण में लीन हो जाने से उस आत्मा का प्रकृति के साथ जो संयोग था उसका सर्वथा अभाव हो जाता है एवं आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। असंप्रज्ञात समाधि में चेतन मन की ये सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, किंतु अचेतन मन में छिपे अनेक जन्मों के संस्कार विद्यमान रहते हैं, जिससे पुनर्जन्म फिर से जन्म होता है किंतु वह अंतिम होगा। इसको सबीज समाधि कहते हैं। इस बीज को मिटाने के लिए फिर प्रयत्न करना पड़ेगा। इस बीज के मिटने से पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रहती। सारा जीवन चक्र मृत्यु चक्र ही समाप्त हो जाता है। यही निर्बीज समाधि है। इस प्रकार यह संप्रज्ञात समाधि भी दो प्रकार की है, सबीज तथा निर्बीज। उन्नीसवां सूत्र है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय।
सूत्रार्थ भाष्यकार स्वयं कहते हैं, विदेहा नाम देवा नाम षाट कौशिक शरीर रहित देव भाव प्राप्त विदेह नामक उपासकों का जो वृत्ति निरोध वह भव प्रत्यय अर्थात अविद्याजन्य भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। विदेह प्रकृति लया नाम विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद बताए गए हैं। सबीज तथा निर्बीज असंप्रज्ञात सबीज समाधि में चेतन मन की सारी क्रियाएं तो बंद हो जाती हैं, किंतु अचेतन मन में छिपे पूर्व जन्मों के संस्कार बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। इसलिए ऐसे योगी जो सबीज समाधि को तो उपलब्ध हो गए किंतु निर्बीज समाधि को प्राप्त होने से पूर्व जिनकी मृत्यु हो गई उनको इन वृत्तियों का बीज शेष रह जाने से पुनः जन्म धारण करना पड़ता है, किंतु उनका यह जन्म अंतिम होता है इसमें इनको पूर्व जन्म की उपलब्धियों की स्मृति रहती है तथा इस जन्म में उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। आरंभ से उन्हें योग साधना की आवश्यकता नहीं होती, वे केवल साक्षी होकर दृष्टावत देखते हैं। वे जीवन में कुछ भी घटे सब सहन करते हुए चलते हैं तथा प्रतिक्रिया करते ही नहीं, साक्षी बनकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानकर भोग लेते हैं। वे नए संस्कार निर्मित नहीं करते। इस साक्षी की अग्नि में वे इस बीज को भस्म कर देते हैं जिससे वे निर्बीज समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। पूर्व जन्म में सबीज समाधि को प्राप्त हुए ऐसे योगी को विदेह कहते हैं। वे प्रकृति लय तक की स्थिति को प्राप्त कर चुके होते हैं। केवल कैवल्य पद शेष रह जाता है जिसे वे इस जन्म में पूरा करते हैं। उनका ये कैवल्य उपाय जन्य नहीं होने से इसको भव प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि इस समाधि के लिए केवल मनुष्य जन्म लेना ही पर्याप्त है, साधन नहीं करना पड़ता। इसलिए वह निर्बीज समाधि भी दो प्रकार से सिद्ध होती है, भव प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय। जिन योगियों की भव प्रत्यय की स्थिति नहीं होती उन्हें उपाय से ही सिद्ध करना पड़ता है। सूत्र 20 श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषाम। इत्रेषाम दूसरे साधकों का निरोध रूप योग। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न योगियों को श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा आदि उपायों से असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध होती है। उपर्युक्त सूत्र में भव प्रत्यय योग की स्थिति बताई गई है, किंतु भव प्रत्यय योगियों के अलावा अन्य योगी उपाय प्रत्यय से निर्बीज समाधि को प्राप्त होते हैं। इन उपायों के क्रम में श्रद्धा परम आवश्यक है, बिना श्रद्धा के योग साधना असंभव है। वीर्य रक्षण से मन इंद्रियां और शरीर सशक्त रहता है, जो योग साधना में परम आवश्यक है। रुग्ण मन इंद्रियां एवं शरीर वाला व्यक्ति योग साधना नहीं कर सकता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहले आसनों का तथा मन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायामों का अभ्यास कराया जाता है। इंद्रियों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान मुख्य है। इन तीनों में
वीर रक्षण सर्वोपरि सर्वोपरि महत्व रखता है। तीसरा साधन स्मृति है, जो श्रद्धा और वीर रक्षण से बलवती होती है। इनके फलस्वरूप योगी को समाधि का लाभ प्राप्त होता है तथा समाधि में ही आत्मज्ञान होता है। समाधि की स्थिति में ही साधक का अंतकरण शुद्ध होता है, जिससे उसकी बुद्धि सत्य को ग्रहण करने वाली हो जाती है, जिसे रितंबरा कहते हैं। इन साधनों से योगी को असंप्रज्ञात समाधि का लाभ होता है। 21वां सूत्र है तीव्र संवेगानाम आसन। तीव्र संवेगानाम, जिनके साधन की गति तीव्र है, उनकी निर्भीत समाधि आसन शीघ्र सिद्ध होती है। जिनके साधन की गति तीव्र है, उनकी निर्भीत समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। इन सब साधनों के अपनाए जाने पर भी सभी साधकों की योग सिद्धि में समय का अंतर रहता है। इस अंतर का कारण है साधनों की गति तीव्र अथवा धीमी होना। जो साधक पूर्ण श्रद्धा से नियमित रूप से योग साधना में लगे रहते हैं, उन्हें शीघ्र लाभ मिलता है। साधनों की शिथिलता से विलंब होता है। विलंब का कारण यह भी होता है कि या तो मार्ग में आई विघ्न बाधाओं से घबराकर छोड़ देते हैं, या सिद्धियों का प्रदर्शन करने लगते हैं। पूर्ण श्रद्धा का न होना भी कारण होता है, अतः इनसे बचकर चलने वाला शीघ्र लाभ प्राप्त करता है। भाव यह है कि असंप्रज्ञा समाधि के पूर्वोक्त श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा तथा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं संप्रज्ञा समाधि, ये सब उपाय और कैवल्य फल कहे गए हैं। ये दोनों समाधि और कैवल्य रूप सिद्धियां अपने साधन की अपेक्षा करती हैं। जब तक उक्त साधनों में मृदुता तथा मध्यता रहती है, तब तक इन दोनों सिद्धियों में विलंब रहता है, और जब इनमें अधिमात्रता अर्थात शीघ्रता प्राप्त होती है, तब उक्त सिद्धियाँ अत्यंत निकट आ जाती हैं। असंप्रज्ञा समाधि का परवैराग्य हेतु है। इस परवैराग्य का यहाँ संवेग शब्द से निर्देश किया गया है। वह संवेग भी मृदु मध्य तथा तीव्र के भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। अधिमात्र उपाय काल में भी जब तक संवेग में मृदुता तथा मध्यता रहती है, तब तक उक्त दोनों सिद्धियाँ अप्राप्त ही रहती हैं, और जब संवेग में तीव्रता प्राप्त होती है, तब तत्काल ही उक्त दोनों सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अतः तीव्र संवेगा नाम आसन इस सूत्र से अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग वाले योगियों को शीघ्र समाधि लाभ और समाधि फल प्राप्त होते हैं ऐसा कहा गया है। अर्थात पूर्वोक्त साधनों में शीघ्रता और पर वैराग्य में तीव्रता जब प्राप्त होती है, तब योगी को उक्त दोनों सिद्धियाँ अति शीघ्र प्राप्त होती हैं। विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक में संवेगश्च उपाय अनुष्ठाने शीघ्रम इस पंक्ति में संवेग शब्द का अर्थ शीघ्रता किया है, जो समाची नहीं, क्योंकि अधिमात्र शब्द से शीघ्रता का लाभ होने से तद अर्थक संवेग शब्द का प्रयोग पुनरुक्ति दोष युक्त हो जाता है, और योगिनो नव दात्व अनुष्पत्ते इस पंक्ति से यह कहा गया है कि संवेग शब्द का पर वैराग्य अर्थ माना जाए तो पूर्वोक्त योगियों के नव भेद अनुपन्न हो जाएंगे इत्यादि। पूर्व सूत्र में श्रद्धा आदि पांच उपायों के तथा वैराग्य के मृदुत्व आदि भेद से नव प्रकार के योगी कहे गए। उनमें नवम जो तीव्र संवेग युक्त अर्थात तीव्र वैराग्य युक्त अधिमात्र उपाय नामक योगी है, वे तीव्र संवेग युक्त होने से औरों की अपेक्षा शीघ्र समाधि लाभ तथा समाधि फल प्राप्त करते हैं। जिस तीव्र संवेग से उनको शीघ्र समाधि लाभ तथा समाधि फल प्राप्त होते हैं, उसमें तीव्र संवेग में मृदुत्व आदि तीव्र भेद मानकर अन्य पूर्व की अपेक्षा उन योगियों में विशेष कथन करते हैं। मृदु मध्य अति मात्रत्वात् ततो अपि विशेष मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् मधु मध्य
तथा अधिमात्र तीव्र के भेद से, तीन प्रकार के तीव्र संवेग होने से, ततोपि पूर्वोक्त तीव्रत्व आदि विशेष से भी विशेष तीव्र संवेग युक्त अधिमात्र उपाय संज्ञक योगियों के समाधि लाभ तथा समाधि फल में विशेष है।